बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में बढ़ापे की बीमारी, बचपन में बढ़ापे की बीमारी जिसे साइंसी ज़ुबान में प्रोजेर्स कहा जाता है, जिसमें मुब्तला बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये एक जिन्याती मर्ज़ है जिसके शिकार बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ताकत से पहले बढ़ापे की दहलीज पार कर जाता है। जिस्मानी नशोनुमा की तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 5 साल का बच्चा 50 साल का दिखने लगता है। इस मर्ज़ में बच्चे मुश्किल से 13 साल तक ज़िंदा रहते हैं। ये मोर्चे में ख़ास किस्म की खराबी पैदा होने की वजह से लाहक होता है, जिसकी वजह से जिस्म में अबनॉर्मल प्रोटीन बनने लगता है। जब जिस्म के खुलियात इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उसे तोड़ देता है। ये प्रोटीन मुतासरा बच्चे के बहुत से खुलियात में बनने लगता है, जिससे बच्चा जल्द बूढ़ा हो जाता है। प्रोजीर्स का मायनी भी कबल अज़ बुढ़ापा है। इस मर्ज़ के इलाज के लिए तहकीक जारी है। बीमारी की शिनाख्त, साल में ही इसकी अलामात नज़र आने लगती हैं। बच्चों का वज़न आम बच्चों से कम होता है, उनका सर गैर मामूली तौर पर बड़ा होता है, आंखें गोल और बड़ी होती हैं, जिस्म की रगें उभरी हुई होती हैं, जिल्द की निचली सतह और दूसरे हिस्सों पर झुर्रियाँ ज़्यादा होती हैं, जिस्म में पट्टे कम होते हैं और दांत ख़राब होते हैं। इसके अलावा कद भी कम होता है। इनमें हड्डियों की कमज़ोरी और दूसरी बूढ़ों वाली बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी अलामात ज़ाहर होने पर डॉक्टर से मशवरा करके ज़रूरी टेस्ट करवाएँ और तशखीस करवाएँ। इसके इलाज के लिए डॉक्टर सरतान यानी कैंसर में दी जाने वाली अद्वियात तजवीज़ करते हैं, जिसके इस्तेमाल से बीमारी धीमी हो जाती है, लेकिन सही इलाज पर अभी भी तहकीक जारी है।